लक्ष्मी देवी, न सिर्फ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि जो 75 साल हम सोते रहे हैं अब उसका कफारा अदा करने का वक्त आ गया है। कफारा अदा करने का वक्त आ गया क्योंकि इस 75 साल सोने की वजह से, इस 75 साल जुल्म को बर्दाश्त करने की वजह से हमने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, हमने अपनी आने वाली नस्लों का भी नुकसान किया, हमने कायद और इकबाल को शर्मिंदा किया। ये सोचे कि जब नौजवान पहुंचेगी, जब हमारी रूह कब्ज की जाएगी और अब अल्लाह के यहां पेश होंगे तो क्या अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखा सकेंगे, क्या उन शोदा को मुंह दिखा सकेंगे कि जो आए थे दिनों में उनकी लाशें पहुंची थी पाकिस्तान, क्या हमने उनका हक अदा किया, क्या हमने उनके खून का हक अदा किया, क्या इसलिए पाकिस्तान ने बनाया था कि ये मिलिट्री डिक्टेटर, ये सिविल डिक्टेटर, ये करोड़ों के पैसों पे बल्ले वाले सो कॉल्ड लीडर हमें गुलाम बना के रखे। हम तो एक गुलाम हिंदुस्तान से आजाद पाकिस्तान में आए थे, लेकिन हमने तुम्हारा गुलामी को इख्तियार किया, अब नहीं करेंगे, अब हम गुलामी को तुम्हारा इख्तियार नहीं करेंगे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की करीमी की कसम, अगर खान साहब ने भी हम जुल्म का साथ दिया तो हम खान साहब का भी साथ छोड़ दें। इस जुल्म का हमने साथ नहीं देना था। एक वक्त आता है जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जिसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, कांगो के अंदर उसके बाद वो कौमें वापस मुड़ कर नहीं देखती। डिफाइनिंग मोमेंट इस कौम का आन पहुंचा है। हमें पहचानता होगा कि हम हैं कौन, अपने आप को देखें, सोचें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, आप उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने इंसाफ का इस दुनिया में बेहतरीन नमूना कायम किया है। इकबाल कहता है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। आज खान साहब की रिहाई के बाद मैं देख रहा हूं वो जज्बा नहीं है, उतने लोग नहीं आए जितने 3 दिन पहले आए। सबको कॉल करके बुलाना पड़ता है, क्यों कॉल करके बुलाना पड़ता है, हमें क्यों नहीं कॉल करते कि कहां है एहतजाज। जज्बा तो ये होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, एहसास तो ये होना चाहिए। जुल्म का निजाम राइज है आपके मुल्क में, पुलिस वाला सियालकोट के एक अवामी नुमाइंदे के घर में घुस जाता है, उसकी वालदा वहां होती है, उसकी बहन वहां होती है। सोच सकते हैं आप, सोचिए, छोड़िए अपने आप को, कहां जा रहे हैं आप, क्या कहीं अपने कामों में, अपनी अपने रिस्क को पूरा करने के चक्कर में, क्या आप लोगों के साथ खुद जुल्म में शामिल तो नहीं हो गए, क्योंकि मेरे नबी तो कहते थे कि उनका साथ देने वाला भी जालिम है, क्या आप खुद जालिम तो नहीं बन बैठे हैं उस रिस्क की तलाश में जिसका वादा अल्लाह ने किया है, उस जान को बचाने के लिए जो अपनी है ही नहीं, जो चंद पल में, चंद दिनों में, कुछ सेकंड में हमसे छिन जानी है, क्या उसके लिए मुस्तकबिल, आप बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, आप अपने अपने मुस्तकबिल की जमानत दे सकते हैं मुझे? मैं पाकिस्तानी कौन से पूछता हूं जो कहती है बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे, जी एहतजाज में ना चाहे इनके मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे, इनके वीजे नहीं लगेंगे। वो माई कहती है कि इनके वीजे नहीं लगेंगे बच्चों के, वो बाप कहती है मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा? वो माँ, वो बाप अपने बच्चों को यही क्यों नहीं कहता कि तूने उस रसूल को जवाब देना है, तूने उस अल्लाह को जवाब देना है, उसके लिए लड़, छोड़ दीजिए, रिस्क का वादा मेरे रब ने किया है। इमरान खान ये अल्लाह की नेमत है, यहां किसी ने कहा था कि अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह का तोहफा है ये इमरान खान, और यकीन करे कि पाकिस्तान की कौम को जो इमरान खान मिला है वापस, जो पाकिस्तान की कौम को इमरान खान मिला है वापस, ये एक खास इनायत है अल्लाह ताला की। अगर वो पकड़ पे आ जाए, अगर वो पकड़ पे आ जाए तो अगली सांस भी इमरान खान ना ले सके, क्योंकि जिस जुल्म का हम साथ दे रहे, क्या डिजर्व करती है ऐसा लीडर, क्या वो कौन बन सकी है जो इकबाल ने भी बुलाया था, हमें वो बनना है आज, आज से याद करें कि जितने आपके अहलो याल हैं, आप चंद हैं, आप कुछ हैं, लेकिन ये चंद लोगों को ये अल्लाह सादत बख्शता है। बदन में भी 313 थे, चंद लोगों ने ही मुल्कों की तकदीरें बदल दी है, पढ़े जाके लोगों, हिस्ट्री पढ़े, तारीख पढ़े, कभी इंकलाब में जोल्टी नहीं लाया करती, वो तबका इंकलाब लाता है जो थोड़ा होता है और लोगों को समझाता है, लोगों के पीछे आते हैं। आप अपने अहलो याल को फोन करें जाके पाकिस्तान,
कि उन्होंने कितना कितना हिस्सा डाला है जुल्म के खिलाफ लड़ने में, कितने सेकंड के लिए वो बाहर निकले हैं, कितने लोगों को उन्होंने कॉल किया कि बाहर निकल कर लड़े। पूछिए अपने आप से ये सात से चौकी चल रही है, ये वक्त जो गुजरा है, सेकंड जो चल रहे हैं, मिनट जो बढ़े, उसका हुक्म होना है तो खत्म हो जाना है सब, और फिर मोहलत नहीं मिलती। आज भी वक्त उठ खड़े, मैं सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने राय हक में अपनी जान दी, उन लोगों को जो सो कॉल्ड अपने आप लोगों के जो दुनियादारी के मुस्तकबिल होते हैं, उन मुस्तकबिल को दांव पे लगा कर खान साहब के बाहर लब्बैक कहकर बाहर निकले, जो उनके लिए खराजे तहसीन पेश करना भी कम है। अल्लाह से दुआ करें कि उनका जज्बा आपको अता हो जाए, क्योंकि ये आपको मयस्सर हो जाएगा तो ये पूरी कायनात देखेगी, मोरख लिखेगा कि एक कौम उठी थी और वो उठ के उसने जुल्म का खात्मा किया था, क्योंकि जुल्म तो आखिर जुल्म है, हद से बढ़ता तो मिट जाता है। मैं अब इख्तिताम पे अलावा इकबाल के इस शेर से इख्तिताम करूंगा, और मुझे कोई और शेर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई और बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात के बाद सब बातें खत्म हो जाती हैं। अगर मेरे शेर का हर हर्फ समझ लें, मेरे इकबाल के शेर का हर हर्फ को प्रॉपर समझ लें, तो उसके बाद कोई बात नहीं रहती। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। शुक्रिया।